Hey guys, welcome back to my channel and this is Kiran. तो आज 11 September 2022 and आज ये advance result announce हो चुका है. तुम लोग announcement section में यहाँ देख सकते हो. ये पूरा details दिया हुआ है result का. अगर तुम इस पर click करोगे, यहाँ पे पूरा summary दिया हुआ है. Summary of number of candidates of GE advanced. तुम यहाँ देख सकते हो कितने ने क्वालिफाई किया है एंड कितने ने रजिस्टर किया था. जनरल में 15,111 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं. जनरल पीडब्ल्यूडी में 166 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं. ओबीसी एनसीएल में 9,205 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं एंड ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 136 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं. जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,979 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में 53 क्वालिफाइड है. एससी कैंडिडेट्स की बात करूं 7,984 क्वालिफाइड है एंड एससी पीडब्ल्यूडी में 14 क्वालिफाइड है. एसटी में 3,058 स्टूडेंट क्वालिफाइड है एंड एसटी पीडब्ल्यूडी में 6 स्टूडेंट क्वालिफाइड है. तो टोटल में तुम यहां देख सकते हो 40,712 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं जी एडवांस के लिए एंड बाकी का डिटेल्स तुम लोग यहां देख सकते हो. ये सारा रैंक दिया हुआ है तुम देख सकते हो. कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, सबका नाम दिया हुआ है, जोन वाइज भी दिया हुआ है, तो तुम ये देख सकते हो. और यहाँ तुम देख सकते हो क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन रैंक लिस्ट. ये सारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स भी दिया हुआ है, तुम सारे कैटेगरी वाइज देख लो. और क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्रेप कोर्स है, तुम लोग जितने भी कैटेगरी वाइज हो, कैटेगरी वालों को प्रेप कोर्स मिलती है, तो तुम लोग वहाँ चेक करना तो तुम्हारा जो कैटेगरी रैंक है वो एक्चुअल कैटेगरी रैंक है या प्रेप कोर्स का कैटेगरी रैंक है. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को. वो लोग प्रेप कोर्स का कैटेगरी रैंक देख लेते हैं एंड उसमें खुश हो जाते हैं कि ये उनका कैटेगरी रैंक है. तो अगर तुम्हारा कैटेगरी रैंक के बगल में पी लिखा रहेगा तो मतलब तुम्हारा प्रेप कोर्स से सिलेक्शन हुआ है. तो जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है इस चीज का ध्यान रखेंगे. एंड अगर तुमको अपना रिजल्ट देखना है तो ये वाला यहाँ पे क्लिक करना एंड तुमको रिजल्ट दिख जाएगा. ये इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना तो अपना रोल नंबर देना, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर और तुमको रिजल्ट दिख जाएगा. जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं एंड जिसको अच्छा रैंक मिला है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड जिनको भी कोई भी क्वेरी हो जोसा से रिलेटेड या सीसैप से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ लेना. आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल. अब तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हो. मेंबर बनने के लिए इस पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा एंड तुम्हें सारा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा. अभी फिलहाल दो ही मेंबरशिप है, एक सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप. जैसे कि तुम देख सकते हो 29 रुपीज पर मंथ एंड गोल्ड मेंबरशिप 59 रुपीज पर मंथ. सिल्वर में तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा? ट्राई टू रिप्लाई टू कमेंट्स, अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस एंड जो लोग जोसा सीसैप एंड जेसीसीबी का काउंसलिंग करने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग तक गाइडेंस मैं पर्सनली दूंगी. और अगर आप गोल्ड की बात करें तो तुम देख सकते हो 59 रुपीज पर मंथ है. सिल्वर में जो भी बेनिफिट्स मिले थे वो भी मिलेगा. उसके अलावा है अर्ली एक्सेस टू न्यू वीडियोस, मेंबर शाउट आउट, फोटोज एंड स्टेटस अपडेट्स, एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियोस. और जो लोग जोसा सीसैप जेसीसीबी का काउंसलिंग करने वाले हैं उनको गाइडेंस मिलेगी टिल द लास्ट राउंड, मतलब जब तक उनका एडमिशन नहीं मिल जाता है. मेंबर बनना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई भी मेंबरशिप चूज कर लेना. एक महीना के लिए मेंबर बन सकते हो, दो महीना के लिए बन सकते हो, तुम्हारी मर्जी जितने महीने के लिए. इस मेंबरशिप के अलावा और एक है, ये तुम थैंक्स बटन देख सकते हो. अगर जिन्हें सिर्फ जोसा से रिलेटेड या सीसैप से रिलेटेड या जेसीसीबी काउंसलिंग से रिलेटेड सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो ये थैंक्स सुपर पावर का यूज कर सकते हैं. जो लोग भी मेंबर बनेंगे या सुपर थैंक्स का यूज करेंगे तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है _किरण_किस्कू. तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.